सामने आया जिसमें बीजेपी विधायक वीएन पाठक ने कहा कि बीजेपी वर्कर बाबर की हत्या मामले की जांच एसआईटी से हो। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, विधायक वीएन पाठक का बयान इस मामले को लेकर सामने आया है। बाबर हत्याकांड पर बोले, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, बाबर हत्याकांड पर पीएन पाठक का बयान सामने आया है। नहीं, आज मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा, इसके एसआईटी की जांच करने के लिए निवेदन करूंगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और वहां प्रशासन लग गया है, जो लोग भी इसके दोषी हैं कोई बक्से नहीं जाएंगे। इतना तो है कि कुछ योगी जी का जो शासन है उसमें कोई बचेगा नहीं, अपराधी जाए तो या तो जेल में जाए या भाग जाए। लेकिन बॉस, वहां तो उसने, उसकी पत्नी कह रही कि सोचो से पहले मैंने कह दिया था, तो इसकी लापरवाही तो वहां की है, तो क्या आप मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, तो क्या डीएम और एसपी की लापरवाही की भी चर्चा? नहीं, डीएम एसपी की लापरवाही नहीं है, स्थानीय सोचो था उसका था, वो लाइन हाजिर भी हो गया है, जो जो लोग उसमें संलिप्त सब लाइन हाजिर हो गए। मुआवजा पर मामला आके फंस जा रहा है, मात्र 2 लाख की मुआवजा दिया गया, क्या मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में भी कुछ बात करेंगे आप? अब मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री से, निवेदन करूंगा कि परिवार के लिए कुछ और चीजें हो जाए, बाकी जो संवैधानिक होगा वो होगा। नहीं, आज मैं मुख्यमंत्री से पाठक ने बाबर हत्याकांड को लेकर बयान दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, बाबर हत्याकांड पर पीएन पाठक का बयान सामने आया है। विधायक पीएन पाठक का बयान बाबर हत्याकांड को लेकर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बाबर की हत्या की जांच एसआईटी से हो, ये पीएन पाठक की ओर से कहा गया।